हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं उबेद अहमद और मैंने अभी तक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जो कि मोबाइल पेन टेस्टिंग पर होगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अपना एनवायरमेंट रेडी कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं और उसे कैसे सेटअप करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब हम मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशंस। सबसे पहली चीज़ जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास एक रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन या फिर जेल ब्रोकन आईओएस फ़ोन होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन एंड व्हाट इज़ जेल ब्रोकन आईओएस फ़ोन? सो एंड्रॉयड एंड iOS ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मोबाइल कंपनीज जब मोबाइल बनाती हैं तो वो एक लिमिटेड परमिशन वाला यूज़र क्रिएट करके देती हैं, और जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप वो लिमिटेड परमिशन वाला यूज़र ही बन के उस फ़ोन को यूज़ करते हैं। आप हर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनल सिस्टम फाइल्स व्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन जैसे कि जब एंड्रॉयड बूट होता है एक लोगो आता है, आप उस लोगो को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो इसके लिए आपको अपने प्रिविलेजेस, आपको अपनी परमिशन जो हैं उनको एस्केलेट करना पड़ेगा, आपको रूट यूज़र बनना पड़ेगा। उस प्रोसेस को जिसमें यूज़र रूट यूज़र बनता है या फिर अपनी परमिशन जो हैं जो या कि या हम बोलें जिसको प्रिविलेजेस हैं उन्हें एस्केलेट करता है, तो उसको एंड्रॉयड के केस में बोलते हैं रूटिंग और iOS के केस में उसे बोलते हैं जेल ब्रेकिंग। जो जिस एंड्रॉयड फ़ोन में रूट यूज़र की परमिशन मिल जाती है उस फ़ोन को कहते हैं रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन, और iOS के केस में उसे बोलते हैं जेल ब्रोकन iOS फ़ोन। एक बार आपने अपना फ़ोन रूट कर लिया या फिर उसे जेल ब्रेक कर लिया तो उसकी वारंटी नल एंड वॉइड हो जाती है। साथ ही साथ एक रिस्क ये भी रहता है कि हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपका फ़ोन कम्प्लीटली यूज़लेस हो जाए। रूटेड और जेल ब्रोकन iOS फ़ोन को यूज़ करने के अपने कुछ और नुकसान भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं पूरे प्रोसेस पे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कैसे करते हैं या फिर iOS फ़ोन को जेल ब्रेक कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। अब कैसे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिनको आपको अपने कंप्यूटर में सेटअप करना होगा। वो चीज़ें क्या हैं आइए देखते हैं। गूगल पे आपको सर्च करना है एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स, फर्स्ट लिंक ओपन करना है, देन डिपेंडिंग अपॉन योर OS इसमें से एक फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये एक zip फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, सिर्फ 11 MB की फाइल है। फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करके कुछ कंटेंट इसका इस तरीके से दिखेगा। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को आपको एक लोकेशन पे रख लेना है, जैसे मैंने इसको सी ड्राइव में रख रखा है, और मेक श्योर इस पाथ को आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी सेव कर दें। एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करने से फ़ायदा ये होगा कि इन कमांड्स को आप किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव नहीं करते हैं इस पाथ को, देन आपको स्पेसिफिकली इस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा इन कमांड्स को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्टरी से अगर मुझे इन कमांड्स को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, या फिर टर्मिनल अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, और एक शॉर्टकट है विंडोज़ में, अगर आप यहाँ पर आके CMD लिखते हैं तो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, मैं ड्रैग करके इस स्क्रीन पे ले आता हूँ, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा वो इसी डायरेक्टरी में ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना है कि जो आपने ये पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव किया है वो ठीक से सेव हुआ है और चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं। उसके लिए आपको लिखना है ADB वर्जन। अगर आपको सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है, डेट मीन्स सब कुछ ठीक से हुआ है। अगर नहीं तो आप चेक करो एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपने पाथ को, ट्राई करो इस डायरेक्टरी में आके आपको ये चीज़ देखने को मिलती है या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ।
इस रिजल्ट का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर अब रेडी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए वो है एक रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस। लेकिन अगर आपके पास रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो आप किसी एम्यूलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेनीमोशन। जेनीमोशन का सेटअप बहुत इजी है, आपको सिर्फ गूगल पे आके सर्च करना है जेनीमोशन, इसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, स्क्रीन पे आने वाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आपका जेनीमोशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं जेनीमोशन से डिवाइस क्रिएट करने की। यहाँ पे इस प्लस आइकन पे आप क्रिएट क्लिक कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको किस तरीके का एंड्रॉयड डिवाइस क्रिएट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एंड्रॉयड API 7 या फिर एंड्रॉयड API 8 वाला डिवाइस क्रिएट करें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिवाइस क्रिएट कर रखा है और उसको मैंने स्टार्ट भी कर रखा है। ये वो डिवाइस है, मेरे पास एक रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस भी है जिसकी स्क्रीन को मैंने यहाँ पे स्ट्रीम कर रखा है। लेट मी ओपन इट। अब आपको अपने टेस्ट डिवाइस में कुछ सेटिंग्स करनी है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। ये डेवलपर्स ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, हो सकता है ये आपको इनिशियली ना दिखे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अबाउट फ़ोन में, नीचे स्क्रॉल करके बिल्ड नंबर पे आपको 7 टाइम्स टैप करना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, जैसे मुझे आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो उस टाइम पे आपको 7 बार टैप करने के बाद मैसेज आ जाएगा यू आर अ डेवलपर। फिर बैक आके डेवलपर्स ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और मेक श्योर ये USB डीबगिंग का ऑप्शन जो है वो ऑन होना चाहिए। अब क्योंकि मेरे सिस्टम से इस टाइम ये जेनीमोशन वाला डिवाइस कनेक्टेड है और मेरा एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ ADB डिवाइसेस, तो मुझे इस जेनीमोशन वाले डिवाइस का IP एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका फ़ोन इससे कनेक्टेड होगा और उसमें USB डीबगिंग का ऑप्शन ऑन होगा तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की IP देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं देखने को मिलती है तो आपको एक कमांड इशू करनी है, वो है ADB कनेक्ट, अपने फ़ोन का IP एड्रेस आपको दे देना है। जैसे कि इस जेनीमोशन के डिवाइस का IP एड्रेस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। IP एड्रेस देने के बाद आपको देना है पोर्ट नंबर 5555 और एंटर कर देना है, इससे आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद बात करते हैं डिवाइस में एंटर करने की, तो उसके लिए हमारी एक और कमांड आती है ADB शेल। इस कमांड से आपको आपके डिवाइस का शेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल्स जो भी लिस्टिंग है आप उसे व्यू कर सकते हैं, आप डायरेक्टरी स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई फाइल अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ADB पुश, और जो भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इस APK को ट्रांसफ़र करना है तो मैं APK का नाम दूंगा। अब मुझे इसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है तो वो पाथ यहाँ पे दूंगा, SD कार्ड ट्यूटोरियल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरी फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया है फ़ोन में। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, लेट मी स्विच टू दिस डायरेक्टरी। अब मुझे अपने फ़ोन से कोई फाइल अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा ADB पुल
और वो फाइल का पाथ जो मुझे ट्रांसफर करनी है तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये टेस्ट फोल्डर मैंने बनाया था और यहाँ पे मैंने वो फाइल जो है अपने फ़ोन से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर ली है। अब अगर आपको अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल जो ये एपीके है हम इसी को इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए आपको कमांड देनी है ADB इंस्टॉल और जो भी आपकी एपीके का नाम है वो, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई है। अगर मैं फ़ोन में जाके देखूँ अपने, सो लेट्स सी, सर्च फॉर द ऐप, और ये डीवा ऐप जो भी हमने इंस्टॉल करी है। अब हमारा फ़ोन और कंप्यूटर दोनों ही रेडी हैं कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि SSL पिनिंग को बाईपास करना, रूट डिटेक्शन को बाईपास करना, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के ट्रैफिक को बर्ब सूट से इंटरसेप्ट करना। ये सभी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।